स्टूडेंट लेक्चर बीच बीच में ब्रेक हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं करनी है, आपने लगातार ये तीनों लेक्चर आप देखना है, तीन टुकड़ों के अंदर हो गया लेक्चर टू ही आपका, ये वापस देख टर्न ऑफ आ रहा है, वॉच लेटर प्ले क्या करना है। नोटिफिकेशन मेरे को आ रहा है कि क्लास स्टार्ट हो गई आपकी। ओके, तो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x2 - 6x - 2 = 0 बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हो सकता है कि ये बीच में बंद हो गया, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 6/5x - 2/5 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट को हमें 1 बनाना है, फिर एक्स का कोफिशियंट आपको दिख रहा है माइनस का 6/5 उसका आधा किया 3/5 आ गया माइनस का स्क्वायर, होल स्क्वायर हमने ऐड किया 9/25 और सब्ट्रैक्ट किया माइनस 9/25 माइनस 2/5 आपका था। आप देखेंगे जो मैंने लिखा दैट इज एक्स माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू करके 9/25 प्लस 2/5। यहां पे हम राइट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे 25 तो 9 + 10 दैट इज इक्वल टू 19/25 आया। तो दोनों को अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं दैट इज एक्स माइनस 3/5 इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 19/25 आ गया। तो एक्स माइनस 3/5 इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 19/5, तो एक एक्स इक्वल टू 3/5 प्लस रूट 19/5, एक रूट हमें मिलना है 3/5 का रूट में 19/5। तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हम रूट्स किस तरीके से निकाल सकते हैं ये आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। हम आगे आते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ जिसके अंदर हमें इसी तरीके से रूट्स निकालने के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, दैट क्वेश्चन इज मतलब इसमें सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड शो दैट दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, यानी कि 4x² प्लस 3x + 5 इज इक्वल टू जीरो एंड शो दैट equation has no real root, यानी कि उस equation का कोई भी root real नहीं है। तो again same way करना, x square का coefficient 4 है, उसे हम divide करते हैं तो क्या बचेगा, x square plus 3/4x + 5/4 is equal to 0, then x square plus 3/4x, x का कोफिशिएंट 3/4 है उसका आधा करेंगे 3/8 हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9/64 ऐड करना है, माइनस का 9/64 सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस का 5/4 = 0। ये देखेंगे आप परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, वो किसका है x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, इट इज 9/64 माइनस का 5/4, इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट दैट इज 64, दैट इज 9 माइनस 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, 6 × 6 = 80 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि इस बार पहली बार इस तरीके से राइट हैंड साइड के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है। अब ये नेगेटिव नंबर आने से क्या हो गया, दैट इज एक्स प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस का 71/64, और कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी अगर हमारे पास में है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हम इसका कोई भी रियल रूट नहीं निकाल सकते, एक्स की कोई ऐसी इस दुनिया में वैल्यू नहीं है जो याद रखें उसका स्क्वायर करें और वो नेगेटिव आ जाए। तो इसके बाद ही हम क्या बोलेंगे कि दिस Cannot be negative, ये negative नहीं हो सकता है कभी भी। अगर ये negative नहीं है student, इसका मतलब क्या हो गया, this equation has no real roots, यानी कि इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों को इस क्वेश्चंस को करने हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में चीजों को समझना है।
आगे जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो इसी का पार्ट है, जो हमने अभी पीछे किया है उसी पार्ट को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले जो मेथड है इसी मेथड को हम श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं। तो अभी जो हमने किया है उसको वापस मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, लेकिन चीज सेम ही है, श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य एक इंडियन मैथमेटिशियन हुआ है जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करके कैसे रूट्स निकालते हैं वही मेथड उन्होंने एक्सप्लेनेशन के अंदर लेके आए हैं। जो इक्वेशन है आपके पास में दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए स्टूडेंट्स ए से डिवाइड करना है तो आपको पता क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। परफेक्ट स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है बी बाई ए, इसका आधा करेंगे स्टूडेंट बी बाई टू ए, उसका होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस का सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। सो ये जो पार्ट आ रहा है इस वाले पार्ट को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, दैट इज एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में हम उसको लेके जाते हैं दैट इज बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस का सी अपॉन ए, देन एक्स प्लस बी अपॉन टू ए, सेम वही वर्क करना है जो हमने पीछे किया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला, दैट इज फोर ए स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, क्योंकि ए से इसको डिवाइड करोगे तो फोर ए आएगा, फोर ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज फोर ए सी। अब स्क्वायर रूट अगर हम दोनों तरफ लेते हैं तो आपको पता क्या बनेगा, दैट इज एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इजुकल टू प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर फोर ए स्क्वायर, या पूरे को रूट में ले सकते थे हम, दैट इज एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इजुकल टू प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आ गया बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी होल डिवाइडेड बाय टू ए। तो स्टूडेंट्स एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, तो एक रूट जो होगा एक्स इजुकल टू माइनस का बी अपॉन टू ए प्लस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी होल डिवाइड बाय टू ए आएगा। एक बार हम नेगेटिव लेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा, दैट इज एक्स इजुकल टू माइनस का बी अपॉन टू ए माइनस का रूट में बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अपॉन टू ए। तो यहां अगर हम बात करते हैं तो एक्स इजुकल टू कितना आएगा एलसीएम में, दैट इज टू ए माइनस का बी प्लस रूट के अंदर कितना आ गया कैपिटल डी। इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को इन्होंने डी माना, उस डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, एक्स इजिकल टू माइनस का बी माइनस का रूट में डी होल डिवाइड बाय टू ए। कैपिटल डी इजिकल्स टू आपका कितना दे रखा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसी पर बेस्ड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का हम नेचर पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। तो यहीं पे एक कंसेप्ट निकल के आता है नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का मतलब वो वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। तो डी पे बेटे बहुत ढंग से डिपेंड करता है, डी अगर ग्रेटर देन जीरो है आप अलग से, आपको पता है कि जो d आपका b स्क्वायर माइनस का 4ac है वो इक्वेशन को देख के आप तुरंत पहचान लेंगे कि b क्या है x का कोफिशिएंट है, उसका हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा, वो यहां लिखना पड़ेगा माइनस का 4a क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो होगा, और c क्या है हमारा कांस्टेंट है। जब हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा, तीन ही चीजें मालूम पड़ सकती है, d पॉजिटिव हो सकता है इजिकल टू जीरो हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो तीनों केसेस में अगर d ग्रेटर देन जीरो है तो हम बोलेंगे इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, दोनों रूट्स उसके डिस्टिंक्ट होंगे, ये फर्स्ट केस है इसका। अगर हम सेकंड केस की बात करेंगे स्टूडेंट्स डी इज इक्वल टू जीरो की, तो हम बोलेंगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। तीसरा केस जो आएगा हमारे पास में स्टूडेंट वो आएगा इफ डी इज लेस देन जीरो तो उसके हमारे होंगे इमेजिनरी रूट्स,
जिसको हम आगे प्लस वन क्लास के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि डी की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो वो जो रूट्स होंगे स्टूडेंट्स, दीज रूट्स आर कॉल्ड इमेजिनरी रूट्स। और स्टूडेंट इन तीनों के ग्राफ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो जो फर्स्ट लेक्चर है स्टूडेंट्स, उसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को ये बात क्लियर है कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम किस तरीके से उसके रूट्स निकालते हैं। जैसे पहले वाले की बात करूंगा तो आपको याद होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी, ऐसा ग्राफ बन सकता है। तो दो जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा तो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, या इस साइड भी ग्राफ इस तरीके से कट कर सकता है, या इधर भी कर सकता है, या इधर भी जा सकता है। रियल एंड इक्वल रूट्स में मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स कि अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करते हैं तो आपके कर्व इस तरीके से एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, या ऐसे टच करके जा सकता है, या ऐसे टच करके जा सकता है, ये भी समझाया हुआ है। लेकिन अगर इमेजिनरी रूट्स है, नो रियल रूट्स है स्टूडेंट्स, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने के लिए मैंने बताया था कि ये ऊपर ही रहेगा या फिर ये नीचे के नीचे ही जा सकता है। तो ये सब चीजें कनेक्टेड हैं, आगे आपको आसानी से और आसान होगा 11th में जब मैथमेटिक्स के लिए जाएंगे। तो ये डायग्राम वैसे मैंने आप लोगों को समझाए हैं, पॉलीनोमियल में हम लोगों ने इस चीज को देखा है, तो मैं जानबूझ के इन चीजों के एक्सप्लेनेशन को एक्स्ट्रा यहाँ पे बताता हूँ ताकि आप इनको ढंग से कर सकें स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में जो 10th बोर्ड के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी अपन डिस्कशन कर लेते हैं और उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, डिस्क्रिमिनेंट पर बेस्ड है, जो बोल रहा है कि राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं आपको उस क्वेश्चन में, उसके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करिए। तो राइट द डिस्क्रिमिनेंट, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक इक्वेशन दे रखी है आपको 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0। एक दे रखा है आपको सेकंड 4x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर माइनस का 4x, माइनस का 4x प्लस का a इक्वल टू 0। एक कोई अननोन दे रखा है, एक आपको दे रखा है थर्ड क्वेश्चन गिवन है रूट 3x स्क्वायर माइनस का 2 रूट 2x माइनस का 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो सुनिए, इन तीनों इक्वेशंस के अंदर हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं, नेचर एचर के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो अगर हम यहां पे बात करेंगे तो इस इक्वेशन के अंदर a कितना है आपको पता होना चाहिए, दैट इज 4x स्क्वायर का कोफिशियंट। b कितना है स्टूडेंट, दैट इज x का कोफिशियंट माइनस का 1। C कितना है स्टूडेंट्स, दैट इज 2, ये आपका 2। हमारा डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे दिया हुआ है D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4AC। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं D को कैलकुलेट कर रहे हैं तो बी स्क्वायर कितना, दैट इज 4 का होल स्क्वायर माइनस का 4। A कितना है स्टूडेंट, सॉरी B कितना आपका माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4। A कितना स्टूडेंट 4A, C कितना स्टूडेंट आपका 2। आप आगे बढ़ेंगे तो माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा प्लस का 1, यहां करेंगे कितना आएगा 4 2 8, 8 4 माइनस का 32, दिस इज इक्वल टू माइनस का 31 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो हमारे इस पहले क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसने भी कुछ नहीं पूछा, इसने कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। सिमिलरली हम सेकेंड पे आते हैं तो सेकेंड में आपको पता है ए कितना है 1, बी माइनस का 4 है, सी इज इक्वल टू ए है। तो डिस्क्रिमिनेंट की अगर हम बात करेंगे बी यानी कि माइनस के 4 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना है 1 और सी कितना है आपका ए, तो दिस इज इक्वल टू 16 माइनस का 4 ए। यहां से हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो 4 माइनस का 4 ए, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे तो ये पार्ट आपका ए है, ये पार्ट आपका बी है और ये पार्ट आपका सी है।
हमें डिस्क्रिमिनेंट अगर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो बी कितना हो गया, दैट इज माइनस का 2√2 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना है √3, सी कितना है माइनस का 2√3, और हमें इसको चेक करना है कि ये क्या चीज है। इसका होल स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट कितना आएगा, 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 8 इंटू √3 इंटू 2√3, 2 इंटू √3 का होल स्क्वायर। तो √3 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि वो क्या हो जाएगा, रूट उससे हट जाएगा, दैट इज 8 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 प्लस 6, 6 8 जा 48, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, 56। तो जो थर्ड इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या मिला है, 56। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और हमें निकालना कैसे है वो आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि आपको ये बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन determine whether the given quadratic equation equation has real roots and find them। अगर उनके roots real है तो उनको find out करिए। जो first question है वो दिया आपको 9x square minus का sorry plus का 7x minus का 2 is equal to 0। second जो question दिया हुआ है वो दे रखा है आपको 2x square प्लस 5√3x एंड प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। थर्ड जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो इन तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है आपसे कि इनके पहले चेक करो कि रूट्स कैसे हैं, रियल हैं कि नहीं है। अगर रियल रूट्स हैं तो उन रूट्स को फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहली जो इक्वेशन है, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका स्टूडेंट्स हमें पता है ए कितना है 9 है, बी कितना है 7 है, और सी कितना है माइनस का 2। तो हमें सबसे पहले डी निकालना है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, दैट इज 7 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना है आपका 9, सी कितना है माइनस का 2। तो आप देखेंगे दैट इज 49 प्लस कितना आएगा 8 9 जा कितना आ गया माइनस प्लस हो गया प्लस का 72। तो ये आपको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सॉल्व होकर कितना आ रहा है, दैट इज 121, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स 121 इसका आ गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने। तो रूट्स के लिए हम रूट्स को अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना है, दैट इज माइनस का बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और जो बीटा है वो कितना है, दैट इज माइनस का बी माइनस का रूट डी अपॉन 2a। तो स्टूडेंट अल्फा इज इक्वल टू माइनस का बी कितना आपका, दैट इज माइनस का 7 हो गया, रूट डी कितना, दैट इज 121 होल डिवाइड बाय 2, a कितना है इनटू 9,
अगर हम बीटा की बात करेंगे तो दैट इज बीटा इक्वल टू माइनस का 7 माइनस का रूट 121 होल डिवाइड बाय 2 इनटू 9। यहां अगर हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 7 प्लस 11 होल डिवाइडेड बाय 18, बीटा इक्वल टू माइनस का 7 माइनस का 11 अपॉन होल डिवाइडेड बाय 18, अल्फा इक्वल टू कितना आएगा 4 अपॉन 18 दैट इज 2 बाय 9, एंड बीटा इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 18 बाय 18, 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट माइनस का 1। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के श्रीधराचार्य मेथड से रूट्स कैसे निकालते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया। अब सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को बता रहा हूं, उसके बाद में कुछ नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इस पार्ट को मैं रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो इस सेकंड वाले पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स जो ए है आपका दैट इज 2 है, बी आपका 5√3 है एंड सी इज इक्वल टू 6 है। अगर हम इसका डी चेक करेंगे दैट इज बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी कितना है 5√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना है 2, कितना है 6, दैट इज 5√3 का 25 × 3, 25 × 3 कितना आया दैट इज 75 माइनस, स्टूडेंट्स हम यहां देखते हैं 4 × 8 = 8, 6 = 48। तो यहां आप देख रहे हैं कि आपको यहां पे 27 मिल रहा है एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से फिर क्लियर होता है कि जो सेकंड इक्वेशन है उस इक्वेशन के डी ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, और जो रूट्स हैं आपको पता ही कैसे निकालना है दैट इज माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस का रूट डी अपॉन 2a। तो इस तरीके से हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फा की अगर हम बात करते हैं दैट अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का बी दैट इज माइनस का 5√3 प्लस रूट में कितना है 27 होल डिवाइड बाय 2 × 2। अगर हम बीटा की बात करेंगे दैट इज माइनस का 5√3 माइनस का रूट 27 होल डिवाइड बाय 2 × 2। तो दिस इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 5√3, ये आपका रूट 27 स्टूडेंट्स कितना होगा दैट इज 9 × 3, 9 का रूट कितना होगा 3, 3√3 होल डिवाइडेड बाय 2 × 2 दैट इज 4। बीटा की बात करेंगे दैट इज माइनस का 5√3 माइनस का 3√3 होल डिवाइडेड बाय 4 स्टूडेंट्स। तो इसके बाद अगर हम आते हैं तो अल्फा इक्वल्स टू कितना है दैट इज माइनस का 2√3 अपॉन 4 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस का 8√3 अपॉन 4। तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस का √3 अपॉन 2, बीटा इक्वल्स टू माइनस का 2√3। तो ये हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, और ये दोनों रूट्स कैसे हैं आपके इरेशनल रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो पार्ट्स हैं आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर ढंग से समझ में आ रहे होंगे जो मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं कि हमें किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करने हैं और ये रूट्स कैसे निकालते हैं। बाकी अगला लेक्चर मैं अगली क्लास में ट्यूसडे के दिन दूंगा, आज इतना ही बहुत है स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।